सुब्रमण्यम स्वामी सर और आए थे शो पर उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स ही अबॉलिश करना चाहिए ये एक एक्सट्रीम इकोनॉमिक रिफॉर्म सजेस्ट किया था उन्होंने आई डोंट नो अभी प्रैक्टिकल रियलिटी क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ hmm. दो सवाल पहले एक इकोनॉमिस्ट की क्या राय है टैक्स रेट्स पर और दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका में टैक्सेशन सिस्टम कैसा है और चाइना में टैक्सेशन सिस्टम कैसा है या yeah. तो uh, दो चीज़ें हैं कि अमेरिका में जो टैक्स रेट्स हैं वो इंडिया से भी हायर uh, है Uh, जैसे अगर न्यूयॉर्क में अगर आप रहते हैं आप स्टेट लोकल टैक्स करें तो जो हाईएस्ट ब्रैकेट है वो आपको 50 परसेंट से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है जो सबसे अमीर है हाँ सबसे अमीर लोग हैं जिनकी आमदनी होती है 50 परसेंट से ज़्यादा मेरा मानना है कि अगर आप 50 परसेंट से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो तो इफेक्टिवली आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो है ना तो ये बात है आ, इंडिया में मतलब ये है आ, कि इंडिया के टैक्सेस जो हैं वो आ, कोई आ, बीच में हैं जैसे अमेरिका यूरोप में बहुत हाई टैक्सेस होते हैं एशिया में ज़्यादातर लोअर टैक्सेस होते हैं ईस्ट एशिया में अगर आप देखिए दुबई में तो आपको मालूम है ज़ीरो है और आप सिंगापुर में देखिए तो बीस परसेंट है और काफ़ी नेशनस हैं जहाँ पर टैक्स फ्लैट भी रहता है कि आपकी इनकम कुछ भी हो हम फ्लैट टैक्स करेंगे क्योंकि जितने आप टैक्स स्लैब करें जितने आप कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को बनाए उतनी मुश्किल होती है एवरेज uh, पर्सन के लिए तो मेरा तो मानना इकोनॉमिस्ट से कि दो चीज़ें कि एक आप टैक्सेस हर साल चेंज मत किया क्योंकि उससे मतलब जो है और परेशानी बढ़ती है एक इंसान की फाइनेंशियल प्लानिंग भी बदल जाती है एग्जैक्टली exactly. तो हर साल में कुछ टैक्स ये चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे एक्सेट्रा ये मतलब 20 साल ठीक है जब आप टैक्स सिस्टम बना रहे थे ज़रूरत थी आज जितना चेंज करेंगे उसको उत, उतनी परेशानी होगी और दूसरा मेरा मानना है कि जितना लो आप टैक्स रख सकें वो वो बिल्कुल बेटर बात है और जितने आप एग्जम्शन कम करें वो बेटर बात है तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड की बात आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और एक चीज़ और मुझे मानना है कि इंडिया में भी ये जो है काफ़ी लोगों का ये जो गवर्नमेंट है और जो उनके ब्यूरोट्स हैं उनका ये माइंड बहुत रहता है कि हम जाके कैसे इन लोगों का ये सब चोर लोग होते हैं बहुत <laughs> तो नो you लाइक know, like, कि इन, इनकी स्कूटनी ज्यादा बढ़ाएं ये करें वो करें यू नो लाइक तो इससे भी परेशानी रहती है आ, I, काफी I, लोगों को सर मतलब आप कह रहे हो कि ये माइंडसेट रहता है ब्यूरोक्रेट्स का कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे चोर हैं हाँ एग्जैक्टली और बहुत सारे चोर पैसे नहीं दे रहे तो उनका मतलब पैसा कैसे उठाएं एंड ऑल दैट तो आई थिंक दैट इससे भी काफी परेशानी लोगों को रहती है जो शायद सच है इन टर्म्स ऑफ मतलब बहुत सारे लोग टैक्स एवेड करते हैं हाँ टैक्स एवेड करते हैं पर क्या होता है कि कि जो टैक्स दे रहे हैं उनकी स्क्रूटनी भी बढ़ती रहती है तो वो भी परेशान होते हैं तो कुछ सिस्टम हमें डिवाइस करना है कि मतलब ये कैसे कम हो जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि टैक्स होना ही नहीं चाहिए ये सिस्टम दुबई भी फॉलो कर रहा है पर ये बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे कंट्री में हाँ क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है ऐसा कोई बड़ा देश है नहीं जिसपे टैक्स सिस्टम ही नहीं है तो ये बात तो ठीक है ये मतलब रेडिकल आइडियाज़ होने चाहिए सिस्टम में पर ऐसे इम्प्लीमेंटेशन इस बात के बारे में बात करना भी मतलब वाल नहीं क्योंकि इसका चांस ही कि ये फॉलो होगा इंडिया में कोई ज़ीरो है इन टर्म्स ऑफ दैट सिम्प्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड सब चाहते हैं और कि स्टेबिलिटी इन टैक्स रेट्स एंड सिम्प्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लोगों के लिए और जो तो, और जो सबसे खराब आदत होती है वो होती है कि आपके जो पिछले के टैक्स रिटर्न है उनको बार बार जब आके सरकार देखती है या और पहले तो सबसे बड़ी गलती से एक सरकार ने करी थी 2012 में कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी इंट्रोड्यूस करना कि कुछ लॉ पास करो कि जो पहले आपको जो टैक्स था वो भी आ, 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 आपको भरना पड़े जब आपने वो डिसीजन लिया था उस टाइम वो टैक्स नहीं था hmm. तो ये सिंप्लीफिकेशन स्टेबिलिटी की बात है हमारी सरकार के इकोनॉमिस्ट से जब मैंने बात करी मुझे पता चला कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का नेचर ये होता है कि जब आप उन्हें अप्लाई करते हो और एक्चुअली देखते हो कि असली ह्यूमन बींग्स इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं फ्री इकोनॉमिक थियोरीज़ का सच पता चलता है तो अ वे एक्सपेरिमेंटेशन होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर तो क्या ये अलग अलग टैक्स के रिफॉर्म्स या टैक्स के फॉर्मेट्स एक्सपेरिमेंटेशन hmm. है ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए हर साल टू शो कि उनका वैल्यू एड क्या है आ, okay, okay. <laughs> तो मुझे लगता है कि उस वेंटेज पॉइंट से भी देखिए इसको हर किसी को वो फीलिंग चाहिए कि यार मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ <laughs> मेरी भी राय दैट्स राइट सुननी चाहिए लोगों को दैट्स राइट ओके यहाँ कोई सलूशन नहीं है ये कल्चरल प्रॉब्लम है आई थिंक सो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ thank you